गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। हम दोबारा आ गए एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक, एक सुंदर से प्यारे से टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है मस्कुलर टिश्यू। ये वर्ड खुद बोल रहा है अपने आप में कि मैं कौन हूं, कहां हूं और कैसे आया हूं। तो जब हम बात करते बेटा मस्कुलर टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज को एक इनडायरेक्टली वे में बोला जाए दैट इज रिलेटेड टू मसल्स। कई किताबों के अंदर इसका जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स के रूप में दिया गया है। यदि देखो बेटा मैं दूसरी बुक के एग्जांपल बताता हूं, मस्कुलर टिश्यू का कई किताबों ने जो एग्जांपल दिया हुआ है वो वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स और कार्डियक मसल्स के ऊपर दिया गया है। वॉलेंट्री मसल्स जिन मसल्स को हम हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट या कंट्रोल कर सकते हैं उन मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है, और इनवॉलेंट्री मसल्स जिनको हम हमारे हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उन मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है। कार्डियक मसल्स हमारे कार्डियक, हमारे हार्ट, हार्ट के अंदर पाई जाती है जो कि हमारे हार्ट को कॉन्ट्रेक्शन और डायलेशन करने के अंदर हेल्पफुल होती है। ये मसल्स लाइफ टाइम काम करती है और जब ये अपना काम छोड़ देती है तो हम भी दुनिया छोड़ जाते हैं। इन मसल्स को कार्डियक मसल्स बोला जाता है। लेकिन हमारी एक दूसरी किताब ने जो कि मस्कुलर टिश्यूज को एक्सप्लेन किया है, तो मस्कुलर टिश्यूज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट इन द मस्कुलर टिश्यू आर नोन एज कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स। मसल्स हमारी कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स होती है। अरे मेरा हाथ यदि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये मसल्स के कारण ही तो हो रहा है। यदि मसल्स यहां पर फंक्शन करना बंद कर देंगी तो मेरा हाथ का कॉन्ट्रेक्शन होना, बॉडी वेट उठाना, मेरा चलना, कदमों से बहकना, हिलना डुलना सब बंद हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल जो सेल्स पाई होती हुई सेल्स होती हैं ये हमारे मस्कुलर टिश्यूज के अंदर पाई जाती हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये तीन तरीके का होता है बेटा। एक तो होता है हमारा स्केलेटल मसल्स, एक तो क्या होता है स्केलेटल मसल्स, और दूसरा कौन सा हो गया बेटा स्केलेटल मसल्स, और दूसरा जो हो गया हमारा स्मूथ मसल, और तीसरा जो हो गया हमारा कार्डियक मसल, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा कार्डियक मसल। ये तीनों तरीके की जो मसल पाई जाती है बेटा ये हमारे मस्कुलर टिश्यूज के टाइप में होती है। स्केलेटल मसल्स की जब हम बात करते हैं, ये स्केलेटल मसल्स हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती है। ये स्केलेटल मसल्स हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती है। मुझे चलना है, मेरी इच्छा है, तो ये मसल्स काम कर रही है ना, तो ये वॉलेंट्री, इट्स इन अंडर माय कंट्रोल, ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। स्ट्राइटेड स्ट्रेट होती है, स्ट्रिप्ड लेयर्स में होती है, ठीक है बेटा। उसके बाद देयर मूवमेंट्स अकर ड्यू टू वॉयलेशन और विल ऑफ द पर्सन, इनके जो मूवमेंट होते हैं स्केलेटल मसल्स के, ये एक पर्सन की विल, इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं। These tissues are found in bone and skin. ये जो skeletal muscles है ये हमारी bone और skin के अंदर पाई जाती हैं। ये इसके ये जो इनके अंदर जो cell है वो cylindrical shape होती है। Cylinder कैसा होता है, गोल, ये हो गया ना, ये cylinder shape, ये जो shape ये जो cells होती हैं ये cylindrical shape की होती हैं, समझ में आई बेटा। ये bone और skin के अंदर पाई जाती हैं जो कि हमारे muscular motion, पोस्चर मेंटेनेंस और हीट प्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले करती है, समझ में आ रहा है बेटा। द टिश्यू आर अटैच टू द बोन, ये स्केलेटल मसल्स हमारी बोन से अटैच होती है, समझ में आया बेटा। अरे बेटी सिंपल सी भाषा में बोन से अटैच्ड जो मसल्स होती हैं ये मसल्स सिलेंडर शेप की होती हैं जो कि हमारे मूवमेंट, पोस्चर और बैलेंस बनाने के काम में देती है। उसके बाद आता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को नॉन स्ट्राइटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स बोला गया है। देखो बेटा मैंने वो चीज बताई थी ना आपको, वॉलेंट्री मसल्स बोल सकते हैं इसको, और स्मूथ मसल्स को क्या बोल सकते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। हो गया काम आपका, दोनों किताबों का एक जगह आ गया, और तीसरा कार्डियक मसल, आ गई समझ में। ये जो मसल्स होती है हमारी ये स्ट्राइटेड होती है, और ये कौन सी हो गई बेटा, नॉन स्ट्राइटेड हो गई, समझ में बेटी। नॉन स्ट्राइटेड मींस ये तो जो हमारी स्ट्रेच होती है, नॉन स्ट्राइटेड मींस ये एक दूसरे के अंदर घुसी रहती है। स्ट्राइटेड का मतलब क्या होता है, ये ऐसे मसल्स होंगी, नॉन स्ट्राइटेड ऐसे होंगी, ऐसे घुसी होंगी, ऐसे करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। देयर मूवमेंट इज अंडर अवर डायरेक्ट कंट्रोल, इनका मूवमेंट हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। ये इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से जानी जाती है। ये जो मसल्स सिलेंडर शेप की होती है ये कौन सी शेप की होगी, स्पिंडल शेप,
ये कौन सी शेप की होंगी बेटा? स्पिंडल शेप। इसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल। स्पिंडल का पता है कैसा होता है स्पिंडल? अरे जो चक्री होती है ना आपकी मंजे भरने की, उस चक्री को स्पिंडल शेप बोलते हैं। समझ में आया बेटी? समझ में आ गया? जो मांझा भरने की पतंग उड़ाते हैं, मंजा भरते हैं, वो जो शेप होती है स्पिंडल शेप। मां का बेलन स्पिंडल शेप, वो मतलब उस बेलन की थोड़ी सी जो गोलाई है वो थोड़ी सी स्ट्रेट टाइप में कर दो तो वो स्पिंडल शेप हो जाती है। ठीक है बेटी? ये हमारे मसल्स के अंदर सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। ये मसल्स हमारी ऑर्गन्स की बाल में पाई जाती है। ये जो मसल्स है हमारी स्मूथ मसल, ये हमारे किसी ऑर्गन की सिर्फ वॉल के अंदर पाई जाती है, जिनके अंदर ओनली न्यूक्लियस पाया जाता है। ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पाई जाती है। तो स्मूथ मसल्स कहां कहां पाई जाती है? ब्लड वेसल्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। स्मूथ मसल्स हमारे यूट्रस के कंटेंट को प्रोपुल्सल करने के अंदर हेल्प होती है। प्रोपुल्सल मीन्स आगे धकेलने के अंदर। इट हेल्प्स इन द ओजिंग आउट ऑफ द फ्लूड इन द स्मूथ मसल्स। बेटा आगे, जैसे ये किसी चीज को, जैसे हमारे यूट्राइन ब्लीडिंग होती है तो उसको आगे फेंकना है, ओबम को मूवमेंट करने तो उसके अंदर, अरे ओबम भी, अरे खाना हमारे अंदर जाता है तो उसके अंदर हमारी आंतें पेरास्टाल्टिक मूवमेंट करती है। पेरास्टाल्टिक मूवमेंट कैसे होते हैं? ये करके, ऐसे करके, ऐसे, इन मूवमेंटों को पेरास्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है, जो कि खाने को आगे धकेलने के काम है होते हैं। इसी तरीके से हमारे यूट्रस के अंदर मूवमेंट पाए जाते हैं, ये यूट्रस को हेल्दी रखने के काम आते हैं, जिससे कि हमारा ओवम, जायगोट और अल्टीमेट फंक्शन यूट्रस करता ही है। बेबी आएगा तो फंक्शन करेगा, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल एवरी मंथ आनी है, उसमें शेड आउट होगी तो फंक्शन तो करेगा ही बेटा। समझ में आया? उसके बाद कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स फाउंड इन द हार्ट वॉल, ये तो आपको पता है। हमारे कार्डियक मसल्स जो है बेटा, ये कार्डियक के अंदर पाई जाती है, हार्ट के अंदर पाई जाती है, हार्ट वॉल के अंदर पाई जाती है। ये इसका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये हमारे हार्ट के अंदर पाई जाती है। दूसरे वर्ड के अंदर हार्ट की जो लेयर होती है उसमें पाई जाती है। देयर कनेक्शन अकर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, देयर इज ए सिंगल न्यूक्लियस, इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है जो कि इनके बीच सेंटर में पाया जाता है। और इनका जो मेन फंक्शन होता है कार्डियक मसल्स का, वो हार्ट को कॉन्ट्रेक्शन करने का काम होता है, क्योंकि डायलेशन तो अपने आप हो जाएगा तो हमारी कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है, जिससे कि ब्लड हमारे कार्डियक से पंप आउट हो जाता है। यह हुआ हमारे मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। डिटेल आप बुक में पढ़ लीजिएगा, डायग्राम बुक से रेफर करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब जो दूसरा जो वर्ड आता है हमारा, नर्वस टिश्यू। जब हम नर्वस टिश्यू की बात करते हैं बेटा कि नर्वस टिश्यू के अंदर क्या होता है, तो नर्वस टिश्यू के अंदर जब हम बात करते हैं तो कई किताब वालों ने उसे दो तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। नर्वस टिश्यू मींस न्यूरॉन और न्यूरेग्लिया। न्यूरॉन, एक मिनट, नर्वस टिश्यू ऊपर लिख देता हूं। नर्वस टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। हमने कैसे लिखाया है आपको? हमने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो नर्वस टिश्यू आर दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। बेटा मेरी बात सुनना, नर्वस टिश्यू जो पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को एक से दूसरी जगह कैरी करते, पहुंचाते। अरे मेरे निडल हुई यहां पर प्रिक, मेरे चुभी निडल यहां पर पंच हुई या प्रिक हुई, इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन को गई और तुरंत मैंने हाथ हटा लिया। ये क्या हुआ? न्यूरोन। न्यूरॉन एक से दूसरे जुड़े होते हैं। जब न्यूरॉन की जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो जो न्यूरॉन का बेटा ऊपर का जो हेड होता है, जो एक्सॉन होता है, वो एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट से जुड़ा रहता है, डेंड्राइट से जुड़ा रहता है। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे से इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और कुछ मिनट्स के अंदर इंफॉर्मेशन ऊपर चली जाती है। न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के अंदर हेल्पफुल होती है। इनको एक्साइटेबल सेल भी बोला जाता है। न्यूरॉन को क्या बोला जाएगा बेटा? एक्साइटेबल सेल्स। तो यदि हमने लिखाया हुआ है आपको एक्साइटेबल न्यूरॉन, और ये कौन सा हो गया? नॉन एक्साइटेबल। तो ये चीज आपको समझ में आई, न्यूरोग्लिया हो गया नॉन एक्साइटेबल।
न्यूरोग्लिया हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाई जाती है। न्यूरोग्लिया कहां पाई जाएगी बेटा? फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट इज फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दे हेल्प द न्यूरॉन्स इन देयर फंक्शनिंग। दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन एक्साइटेबल सेल्स। ये चीज समझ आई बेटा? नॉन एक्साइटेबल सेल्स इनको बोला जाता है, जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाई जाती है। ये हेल्प करती है न्यूरॉन को फंक्शन करने में, ठीक है बेटा। उसके बाद में एक हम एक टॉपिक छोटा सा, मेम्ब्रेन्स। तो मेम्ब्रेन्स जो है हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है। मेम्ब्रेन में सबसे पहले आता है बेटा म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियल सेल्स, जब हम बात करते हैं बेटा मेम्ब्रेन्स के बारे में, कि मेम्ब्रेन्स की अलग वीडियो बना लेते हैं। बाकी की ये हमारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं। थैंक यू सो मच।